ये 1 घंटे में आपने ये पूरा पिज्जा खत्म कर दिया तो पूरे 11,000 रुपए मिलेंगे। बॉस कितने मिलेंगे? पूरे 11,000 पूरे। तो ये देख लो, अपना पिज्जा तैयार हो गया और ये पिज्जा के बॉक्स में डाला गया। इतना बड़ा बॉक्स, लोग अक्सर कहीं ना कहीं जाते हैं तो हमेशा कैफे ढूंढते हैं और ज्यादातर लोग पिज्जा खाने जाते हैं। तो आज मैं लेके आया आपको सबसे अलग जगह पे, जहाँ पे नाम है पिज्जा के स्टोर का, द ग्रेट इंडियन पिज्जा, जहाँ पे आपको मिलेगा मुंबई का सबसे बड़ा पिज्जा और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे मिलने वाला मुंबई का सबसे बड़ा पिज्जा, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन पिज्जा। तो भाई हमारे लिए आज कौन सा पिज्जा बनाने वाले हैं और पिज्जा में क्या स्पेशलिटी है? अभी अपने इधर सबसे मुंबई का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने वाले हैं, जो 26 इंच का रहेगा और सबसे स्पेशल पिज्जा हम आपको बना के दिखाएंगे। तो ये देख लो, इन्होंने आटा लिया है, ये आटा आपने ऑलरेडी मार के रखा है ना, तो जब भी आप आओगे आपको फ्रेश ही मिलेगा हमेशा। तो ये देखो आटा कम से कम मेरे हिसाब से तो 1.5 से 2 किलो होगा ना बॉस, 1.5 से 2 किलो का आटा है। अब इसको जिस तरह से मारने वाले ना, वो ही काफी अलग तरीका है। और आप लोग देख सकते हो इन्होंने नीचे ना, जितना बड़ा की थैली है ना उतना बड़ा पिज्जा बनने वाला, तो नीचे थैली रखा है ट्रांसपेरेंट की, उससे इसको फैलाया जा रहा है, मतलब ये आटे को उतना बड़ा कर रहे, राइट सर? और किस तरह से कर रहे, किस आराम से कर रहे, मतलब किस तरह से करना है, एकदम नाजुक तरीके से कर रहे हैं कि ये मैदा का आटा फट ना जाए, इसलिए देखो बराबर इसको पीटा जा रहा है। तो ये देख लो इन्होंने किस तरह से इसको पूरा का पूरा लगा दिया, भाई ने पूरा तैयार कर दिया। 26 इंच का हो गया, 26 इंच का होने के बाद अब इसके ऊपर क्या करने वाले बॉस? रिम डालोगे? तो ये देख लो रिम डाल रहे, ये है मतलब पूरे साइज का रिम बनाया 26 इंच का, ये देख लो भाई साहब, वाह वाह, सब लोग को बोलना पड़ेगा मुकाम्बो खुश हुआ, वाह वाह। अब ये देख लो ऊपर भी है नीचे भी है, थैली नहीं निकालने वाले हो? ओ अब थैली निकालोगे, तो ये हो गया पलट दिया आपने। ये देख लो हमारा भेष तैयार हो गया पिज्जा का, और ये 26 इंच का देख लो भाई किस स्वैग में दिखा रहे अपने को, देख लो इसको एकदम अंदर हल्का हल्का यहाँ से मोटा कर रहे हैं साइड में कि इसमें एकदम भेष बैठ जाए, है ना। एक बार मैं भी पकड़ के देखू क्या? तो चलो हम भी पकड़ के देखते हैं। 1.5 किलो का तो ये एक हाथ से पकड़ सकते हैं, देख लो अब तुम्हारा भाई भी पिज्जा बनाएगा, समझे क्या? कंटेंट मोड ऑन के साथ फूड मोड ऑन, तो चलो बनाओ बॉस। देख लो पूरा का पूरा भेष है ना सॉस से कर देंगे ना, सजा देंगे। सो ये देख लो पिज्जा में एकदम पूरा का पूरा सॉस से कलर कर रहे हैं, ऊपर डाल दिया, अभी आधा और बचा है, तो एंड तो देखना क्या मजा आने वाला है पूरी वीडियो में। सो ये देख लो पूरा का पूरा सॉस हो गया ना बॉस, तो पूरा का पूरा सॉस हो गया, अभी क्या डालने वाले हो? अभी इस पे चीज जाएगा। चीज जाएगा कौन सा वाला? ये अपना ये वाला चीज जाएगा, मोज़रेला। मोज़रेला और चेडा। ओहो ये देख लो कितना सारा चीज डालने वाला है इस पे, ओहो पिज्जा का स्टाइल है भाई, चीज डालने का भाई का स्टाइल है, देख लो। अभी क्या करोगे इसको? इसको एटिंग मशीन में पास करेंगे, फिर ये वहां से बन के निकलेगा, उसके बाद इस पे पिज्जा लगाएंगे। तो ये देख लो इन्होंने पिज्जा मशीन में डाला था ना, ये बेस पकने के लिए उठ के उठ के हल्का हल्का, देख लो आपको, देख लो चीज मेल्ट होकर आ रहा है और ये जो हल्का हल्का बेस है ना पक गया है, तो इसके ऊपर अब सारे टॉपिंग्स पड़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये अब पिज्जा कितने में डिवाइड करेंगे? 4 में ना, तो 4 में डिवाइड करेंगे, चारों का नाम बता दो। इसका चारों का नाम है अलग अलग पिज्जा है 4। हाँ एक अपना चाइना हाउस रहेगा, एक स्पाइसी ब्रेड रहेगा, एक फार्म स्टिक रहेगा। मतलब मुझे 4 पिज्जा खाना हो ना तो एक ही साथ, तो मैं ये एक बड़ा वाला पिज्जा ऑर्डर कर लूंगा। और देखो इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक चाइना बोला, दूसरा एक चाइना हाउस है, और एक फार्मेसी है, ओके, और एक पनीर पटाखा। पनीर पटाखा ठीक है। तो अभी वाला आप कौन सा बना रहे हो बॉस? अभी स्पाइसी ट्रीट बना रहे हैं, उसमें देख लो बहुत सारा सॉस डाले, अभी क्या क्या वेजेस डालने बोला आप, वीडियो एंड तक देखो मजा आने वाला है। तो ये देख लो इन्होंने एक पिज्जा को 4 में डिवाइड कर दिया, इसमें सीजन सॉस डाला, इसमें ये वाला सॉस डाला, उसमें ये सॉस डाला है, और इसमें मोज़रेला चीज डाला है। तो अब इसमें चारों में वेजेस डालना स्टार्ट करोगे या और कुछ सॉसेज डालोगे? सिर्फ वेजेस। तो वेजेस देख लो इन्होंने एकदम क्लीननेस का मेंटेन किया, हाइजीन में मेंटेन, और सब कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा है। अभी देखो यहाँ पे कैप्सिकम है और भी चीज़ें डालते रहेंगे। सो ये देख लो ग्रेवी वाला पनीर डाला जाता है, नॉर्मल पनीर नहीं है, पहले पनीर को सॉसेज में से मिक्स करके ग्रेवी बनाया, फिर इसको पनीर सब लगाएंगे यहाँ पे साइड साइड में। सो ये देख लो हमारा पनीर पटाखा वाला जो टॉपिंग था वो हो गया एक साइड का पिज्जा, और अभी ये वाला कौन सा कर रहे हैं? फार्मिक्स पिक कर रहे हैं, इसमें टॉपिंग डाला जा रहा है, कांदा डाला है, शिमला मिर्च डाला, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें पनीर काफ़ी अलग पनीर है पनीर पटाखा में, और इसमें और भी टॉपिंग डाल रहे हैं, राइट सर? और इसमें भी कौन सा पनीर है? मसाला वाला पनीर डाल रहे हैं, देखो मसाला पनीर डाल रहे हैं इसमें। ये पिज्जा में बादशाह है, मैंने टीवी में अक्सर देखा करते थे काला काला डालते ऊपर। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताना, ये आपका भी फेवरेट चीज है क्या जो ब्लैक ऊपर डाला है?
आपका भी, तो आपका भी है क्या, कमेंट जरूर करना। तीन टॉपिंग हो चुके हैं ना पिज्जा में, अब ये लास्ट बचा है, इसका नाम क्या लास्ट वाले का? ये अपना स्पाइसी ट्रीट है। स्पाइसी ट्रीट एकदम, मतलब इसको खाओगे तो एकदम स्पाइसी है, इसकी है तो एक चैलेंज हो जाएगा बंदे के लिए ये खाने के लिए। सो ये अपना पिज्जा टॉपिंग के साथ तैयार हो गया, अब इसमें क्या पड़ने वाला है चारों में? सबकी फेवरेट चीज होती है मोजरेला चीज, उसके बिना पिज्जा अधूरा होता है, राइट? तो आप भी इसके ऊपर डालने वाले ना मोजरेला चीज। सो ये देख लो भाई साहब, ये वेट कितना हो जाएगा इसका? वेट कितना होगा बॉस? 3-3.5 किलो हो जाएगा। वाह, 3-3.5 किलो का पिज्जा वेट होने वाला हो। अब ये देख लो मोजरेला चीज उठाया, अब तो लगता है बरसात ही करने वाले हैं। और ये देख लो, सो ये देख लो पिज्जा रेडी होने के बाद अब जाएगा इसमें मशीन में, राइट? मशीन में जाने का अपना पूरा पिज्जा रेडी हो गया। इसमें देख लो कितना सारा मोजरेला चीज डाला, और इनका मशीन देख लो कितना बड़ा है, और इसमें जाएगा कितने देर में पक जाएगा अंदर? 3.5 मिनट पक जाएगा। सो ये देख लो मुंबई का सबसे बड़ा पिज्जा धीरे धीरे आ रहा है, आपका पसंदीदा, मेरा भी बहुत पसंदीदा पिज्जा आ रहा है, और ये पिज्जा खाने के लिए मैं काफी एक्साइटमेंट में हूँ, और भी लोग होंगे, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताना आप एक्साइटेड हो क्या ये वाला पिज्जा ट्राई करने के लिए। अगर ट्राई करना हो तो ग्रेट इंडियन पिज्जा में आ जाओ। सो ये देख लो अपना पिज्जा तैयार हो गया, और ये पिज्जा के बॉक्स में डाला गया, इतना बड़ा बॉक्स, मतलब काफी अलग बात है। इसमें कितने पीस काट के दोगे? 12 पिज्जा काट लोगे एक पिज्जा में? चलो काटो। ये देख लो पिज्जा की कटिंग हो रहा है, ये कट हो गया। अब हम इसका ऊपर इंतजार करते हैं, ऊपर डाइनिंग है ना, तो ऊपर मैं जा रहा हूँ। आप लोग देख लो मेरे पास द ग्रेट इंडियन पिज्जा का वेज पिज्जा आ चुका है, और ये काफी मिक्स है, इसमें 4 फ्लेवर है। और ये देख लो, साइज डज नॉट मैटर, तो खाने पीने में ध्यान दो भाई, साइज डज नॉट मैटर। कोई अगर तुमको बोले ना तो मोटा हो रहे तो वाइफ को बोलने का इग्नोर, फूड इज मच इम्पोर्टेंट। तो अब हम खोल के देख रहे, सो ये देख लो मेरे पास पैसे भी है। अब ये पैसे की क्या बात है पता है, इस पिज्जा में इन्होंने शर्त लगाई है, अगर ये 1 घंटे में आपने ये पूरा पिज्जा खत्म कर दिया तो पूरे 11,000 रुपए मिलेंगे। बॉस कितने मिलेंगे? पूरे 11,000। आप लोग दोगे ना, आपके मैनेजमेंट देगा ना? नहीं, पूरा मैनेजमेंट देगा, पूरा मैनेजमेंट देगा। अगर 1 घंटे में आपने ये पूरा पिज्जा खत्म कर दिया, पिज्जा भी फ्री देंगे और 11,000 भी देंगे। तो आओ और ये चैलेंज लेके रहो। तो मेरे पास आ चुका है सबसे बड़ा पिज्जा मुंबई का है ये, और ये पिज्जा में 4 तरह का टॉपिंग डाला है, 4 फ्लेवर है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा पिज्जा खाऊं, तो एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर कर लो, उसमें 4 फ्लेवर मिलते हैं। तो यहाँ पे एक खास बात है कि प्योर वेज आउटलेट है द ग्रेट इंडियन पिज्जा, और यहाँ पे आपको जेन में भी अवेलेबल है, मतलब कांदा लहसुन खाओ के बिना भी मिल जाएगा, और भी सॉसेज भी इनके जेन है। मैंने नीचे इनके किचन में खुद पर्सनली विजिट किया, उनके ट्राई किया, तो हम देखेंगे। इन्होंने देखो 12 पीस में किया है, तो कम से कम लोग है ना इसमें 12 लोग आप खा सकते हो। अगर आपने कॉलेज के लिए ट्राई किया यहाँ पे आने का, तो 1 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आओ, आप लोग को है ना 20% डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो दिखाओ, बोलो 20% डिस्काउंट दो, वीडियो में बोला है। तो आप लोग को 1 बजे से लेकर 5 बजे तक 20% डिस्काउंट मिलेगा। कैसे? आपको अपना कॉलेज आईडी कार्ड दिखाना है, कॉलेज आईडी कार्ड दिखाओ, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और एक चैलेंज भी है, तो चैलेंज मैंने आपको बता ही दिया है। चैलेंज में ये है कि 11,000 रुपया मिलेगा अगर एक इंसान 1 घंटे में खत्म करता है। तो हम भी ट्राई करके देखते हैं, अब कौन सा ट्राई करना ये देखते हैं। आओ देखते हैं इसमें चीज फूल निकलेगा क्या बॉस। ये देख लो इतना बड़ा पिज्जा अपने को खाना है। सो अभी ये देख लो अपन खाने जा रहे हैं। टेस्टी है। जब मैं फूड ब्लॉगर नहीं था तो हमेशा इंस्टाग्राम पे फोटो देखता इतना बड़ा पिज्जा, उतना बड़ा पिज्जा। तो मैंने तो आपको वीडियो में क्या क्या दिखाया अपने चैनल पे, सबसे बड़ा सिजलर मुंबई का, सबसे बड़ी थाली धारा सिंह की, और सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का पराठा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो जाके यूट्यूब चैनल पे देखो, प्लेलिस्ट बनी है, मुंबई यूनिक फूड है, जयपुर फूडी टेल्स है, इसे आप लोग देखो, आपको बहुत अलग अलग डिशेस मिलने वाले। तो ये पिज्ज़ा तो मैं अकेले ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, क्यों मैं 11,000 हार गया, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। और डाइटिंग भी चल रही है, वरना ख़त्म कर सकता था मैं। तो फिर अगर आप लोगों को भी पिज़्ज़ा ट्राई करना हो तो यहाँ पर आओ। इसका कॉस्ट क्या है बॉस? मिनिमम चालू होता है 1700, मिनिमम चालू होता है, ऊपर एक्सपेंस करोगे तो 2400-2500 की जाता है, तो मिनिमम 1700 है। तो अपने ग्रुप के साथ आ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो, उनको कमेंट में करो। चलो ये चैलेंज लगाने चलते हैं, और एक और उनको बोलना, चलो ये पिज़्ज़ा खत्म करने चलते हैं दोस्तों के साथ।
फ्रेंड टाइम एंजॉय करेंगे। तो ये वीडियो हमें शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट भी करना, कमेंट करके बताना आप पिज़्ज़ा लवर हो तो कौन सा पिज़्ज़ा आपका फेवरेट है, कौन सा ब्रांड, ये वाला डोमिनोज, लैपिनोज और भी अलग अलग तरह हर गली में होता है भाई पिज़्ज़ा ब्रांड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मैं फॉलो भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट भी करो, थैंक यू सो मच।